बड़े नहीं चलता चलिए दोनों बात है। गुप्त वंश में हम पढ़ रहे थे समुद्र गुप्त, हमने इसका कालक्रम भी पढ़ा था। क्या कालक्रम पढ़ा? 350 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक। और इसके हम पढ़ रहे थे जानने के जो स्रोत थे, उन स्रोतों में हमने पढ़ा था पर्याय प्रशस्ति। लास्ट टाइम क्या पढ़ी थी? पर्याय प्रशस्ति में लास्ट क्या था? ठीक है, इसने कितने प्रकार के सिक्के चलाए? छह। और हमने इसका लेखन भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हरिशयन। और हरिशयन चंद्रगुप्त के शासनकाल में किस पद पर आसीन था? तीन पदों पर। कौन सा पद था? एक तो था महादंड नायक, एक क्या था संधि विग्रह हक, और लास्ट तीसरा क्या था? क्या था? कुमार मात्य। और हमने कहा था ये जो है इसको क्या कहते हैं? पुलिस विभाग के नाम से जाना जाए। ये था संधि मंत्री। कौन था? संधि मंत्री। प्रयाग प्रशस्ति के अलावा और जानने के जो दूसरा स्रोत था क्या है? किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं है तो बता दूंगा, ऐसा लग रहा है। दूसरा हमने पढ़ा था, पहला दूसरा ये पढ़ा था एरण अभिलेख। कौन सा पढ़ा था? एरण अभिलेख पढ़ा था। और तीसरा जो पढ़ा था वो बता देता हूं, दो ताम्र पत्र प्राप्त हुए थे, एक गैया से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ था? गैया से। इन अभिलेखों से किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पर्याप्त प्रशस्ति की लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी कि इसके छह प्रकार के सिक्के या मुद्राएं प्राप्त हुई। अगला टॉपिक हमारा है छह प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं। छह प्रकार की मुद्रा, कौन कौन सी मुद्राएं प्राप्त हुई थी, उन मुद्राओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली जो मुद्रा इन्होंने चलाई थी उसका नाम था ध्वज मुद्रा, या इसे ही कहते थे पताका मुद्रा, या इसे ही कहते थे गरुड़ मुद्रा, या इसे कहते थे दंडकारी मुद्रा। इसका कई बार प्रश्न आता है कि गरुड़ ध्वज प्रकार की या दंडकारी मुद्रा आज तक समुद्रगुप्त की कितनी प्राप्त हुई और कहां से प्राप्त हुई। तो इनकी जो है 183 मुद्राएं प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई आज तक, किस प्रकार की? गरुड़ या ध्वज या पताका या दंडकारी। यानी इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर सर्वाधिक प्रचलित कोई मुद्राएं थी तो वो कौन सी थी? यही थी सर्वाधिक प्रचलित मुद्राएं, सर्वाधिक प्रचलित मुद्राएं। फिर आता है समुद्रगुप्त की सर्वाधिक मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई, जो 183 एक ही जगह से प्राप्त हुई, और उसका नाम था बयाना। क्या नाम था? बयाना। और बयाना है भरतपुर। कहां पर है? भरतपुर। यानी ध्वज प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो 183 है और बयाना से प्राप्त हुई, और सर्वाधिक प्रचलित मुद्राएं हैं। थी किस प्रकार की ये मुद्राएं? मान लीजिए ये मुद्रा है या सिक्का है, इसके पृष्ठ भाग पर, पृष्ठ पहला मुख्य भाग या प्रधान भाग, इस पर एक यूप, यूप का मतलब जानते हैं? हवन वगैरह करने का जो कुंड बना होता है वहां एक घुंटा लगा होता है, उसे कहते थे यूप। यूप से बंधे
घोड़े की आकृति, घोड़े की आकृति बनी हुई है। फिर इसके विपरीत पृष्ठ भाग पर, इसके विपरीत जो पृष्ठ भाग था इस भाग पर आभूषण धारण किए हुए, आभूषण धारण किए हुए एक राजमहिषी का मतलब पटरानी या रानी का चित्र अंकित है, का चित्र अंकित है। तो जो ध्वज प्रकार की या पताका प्रकार की या गरुड़ प्रकार की, ज्यादातर गरुड़ या ध्वज प्रकार की पताके के बारे में पूछा जाता है कि इसके प्रधान पृष्ठ पर किसकी आकृति है, तो यूग से बंधे हुए घोड़े की आकृति। ऐसे कैसी आकृति, एक और ब्रिटिश संग्रहालय है वहां पर आज रखी गई है। और जो इसका पृष्ठ भाग है, पीछे का भाग है, उस पर किसका चित्र है, तो उस पर है राजमहिषी, रानी, पटरानी। और वो कैसे है, आभूषण ग्रहण किए हुए। और इसके दाहिने हाथ में तो क्या है, चमर लिया हुआ, और बाएं हाथ में एक तोलिया हाथ में लिए हुए खड़ी है। इस प्रकार जो ध्वज प्रकार की या गरुड़ प्रकार की जो मुद्रा है सबसे प्रचलित है, और आज तक 183 प्राप्त हुई है, बयाना से प्राप्त हुई है, समुद्रगुप्त द्वारा चलाई गई सर्वाधिक मुद्राओं में से एक मुद्रा है। और ये किस प्रकार की मुद्रा थी, सोने की मुद्रा थी। दूसरी जो मुद्रा है वो है परशु मुद्रा। कौन सी मुद्रा, परशु प्रकार की मुद्रा, परशु प्रकार की मुद्रा। इस मुद्रा की एक ही विशेषता है कि कौन सी मुद्रा पर समुद्रगुप्त को कृतांग परशु के नाम से संबोधित किया गया, यानी समुद्रगुप्त की एक उपाधि है, उस उपाधि का नाम है कृतांग परशु। प्रश्न आता है कृतांग परशु की उपाधि का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है, तो इसकी मुद्रा से मिलता है, और मुद्रा का नाम क्या है, परशु प्रकार की मुद्रा। तीसरी जो मुद्रा है वो है धनुर्धारी मुद्रा। कौन सी, धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा। कल मैंने एक लाइन लिखवाई थी, इसे सो युग का विजेता कहा जाता है। कहां से हमें पता लगा कि सो युग जीते और एक भी युद्ध हारा नहीं, वो जानकारी हमें कहां से मिलती है, धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा से। अर्थात उसमें क्या कहा गया समुद्रगुप्त के लिए कि ये क्या था, सो युद्धों का विजेता, सो युद्धों का विजेता। और एक मैंने एक और बताया था, राजाओं का विजेता भी कहा गया, वो कौन से मिलती है, परशु से। कौन से मिलती है, इसमें दो चीजें मिलती है, एक तो क्या मिलती है कि इसकी उपाधि क्या है, कृतांत परशु, किससे, परशु प्रकार की मुद्रा से। और एक और जानकारी क्या मिलती है, इसे क्या कहा जाता है, राजाओं का विजेता। क्या कहा जाता है, राजाओं का अगर विजेता कहां से जानकारी मिलती है, तब हमें मिलती है परशु प्रकार की मुद्रा से। और अगर हमें पूछ लिया जाए सो युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इसकी जानकारी या उल्लेख का पूछ लिया जाए तो इनकी एक मुद्रा है, मुद्रा का नाम है धनु प्रकार की मुद्रा। चौथे प्रकार की जो मुद्रा है उसका नाम है व्याघ्र हनन प्रकार की मुद्रा, की मुद्रा। इसमें व्याघ्र पराक्रम नाम की उपाधि से समुद्रगुप्त को प्रभावित किया गया, या उपाधि, इसकी उपाधि पूछ ली जाए कि व्याघ्र पराक्रम की उपाधि की जानकारी कहां से मिलती है, तो इसके मुद्रा से मिलती है या सिक्कों से मिलती है, जिसका नाम है व्याघ्र अनंत प्रकार की मुद्रा। पांचवी जो मिलती है वीणा प्रकार, वीणा
प्रकार की मुद्रा। समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का शौक था, इसकी जानकारी अगर कहीं से मिलती है तो उनके सिक्कों से मिलती है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसलिए कहा गया है कि समुद्रगुप्त को किसका शौक था, वीणा बजाने का शौक था। एक और कौन सी बन गई, जरूर साथ में लिखवाते हैं, ये ध्वज है। और लास्ट में जो छठी है वो है, नीचे आ रहा गया है, गरुड़ प्रकार की मुद्रा। तो विशेषकर समुद्रगुप्त की कितनी मुद्राएं मिलती है, 6 मुद्राएं मिलती है, जिसमें ध्वज, पताका या दंडकारी मुद्रा, फिर पशु प्रकार की, धनुर्धारी प्रकार की, व्याघ्र हनन प्रकार की, वीणा वादन या वीणा प्रकार की, या गरुड़ प्रकार की। इसके बाद में समुद्रगुप्त ने, हमने पहले कहा था कि इसका उद्देश्य क्या था, समुद्रगुप्त का उद्देश्य था धरणी बल, और कल इसका हमने अर्थ बताया था कि धरणी बल का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। इसी के लिए आपको पता होगा विंसेंट स्मिथ ने इन्हें क्या कहा था, भारत का नेपोलियन कहा। इस उद्देश्य को आधार मानकर ही किसने, विंसेंट स्मिथ ने इन्हें किस नाम से पुकारा, भारत का नेपोलियन। इसके बाद में आता है इनके विजय अभियान। प्रत्येक राजा अपने विजय अभियान में अलग अलग नीतियों को अपनाता है अलग अलग क्षेत्रों के लिए। तो इसने भी अपने विजय अभियान के लिए अलग अलग नीतियां अपनाई। अब अलग अलग नीतियां कौन सी है, पहले इसको उतार लो, फिर 5 नीति है, 5 नीतियों को पढ़ लो। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या था कई बार इसका, कि समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर किन किन की आकृतियां अंकित है, ये प्रश्न भी कई बार आता है। तो समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर अंकित, यानी किन किन की चित्र है जो इनकी मुद्राओं पर अंकित रहते हैं। सबसे पहले जो मिला वो मिला लक्ष्मी का, दूसरा जो मिला वो मिला सरस्वती का, तीसरा जो मिला गंगा का, और चौथा मिला दुर्गा का। यानी हम कह सकते हैं कुषाण शासकों ने जिस तरह देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, उन्हीं का अनुसरण करते हुए गुप्त वंश के राजाओं ने देवताओं की तुलनात्मक अपने की थी। और हमने पहले पढ़ा था कुबेर की तरह, वरुण की तरह, इंद्र की तरह और यमराज की तरह इन्होंने अपनी तुलनाएं की थी। और दूसरा किस तरह से लक्ष्मी की, सरस्वती की, गंगा की और दुर्गा की चित्र अपने मुद्राओं सिक्कों पर अंकित करके ये साबित कर दिया कि गुप्त वंश के राजाओं ने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना था। इसीलिए दूसरा और किसके मिलते हैं, दूसरे तो अगर मिलता है तो एक मिलता है परशु का, परशु जानते ना, वो क्या बोलते हैं, कुंठी कुंठी बोलते हैं उसको, पैटर्न काटते हैं उसी को, परशु का मिलता है। दूसरा तलवार का मिलता है। तीसरा और किसका मिलता है, परशु तलवार और यूप की आकृति और घोड़े की आकृति, घोड़ा
इन चारों की चार और चार आठ आठ तरह के चित्र गुप्त वंश के राजाओं ने अपने सिक्कों या मुद्राओं पर अंकित किया। इसके बाद में है समुद्रगुप्त के विजय अभियान। समुद्रगुप्त का विजय अभियान, इन सब की जानकारी हमें मिलती कहां से? सबसे पहले जानकारी कहां से मिलेगी हमें? अगर इनकी जानकारी की बात करें कि इन्होंने विजय अभियान किया या नहीं किया, इसकी जानकारी के लिए हमें कौन सा स्रोत पढ़ना पड़ता है? परियार प्रशस्ति, जो किसके द्वारा रचित है? हरिसेन के द्वारा रचित है। और किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया इसको? तिल भट्ट को। बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं याद हो जाए। और तीसरा प्रकाश में कौन लाया था इसको? ए ट्रायर। कौन लेके आया था? ए ट्रायर लेके आया था। और कितने फीट ऊंची थी ये? 35 फीट ऊंची। कितनी पंक्तियां थी? 33 पंक्तियां थी। कितनी थी? 33 पंक्तियां थी। कितने वंशों की जानकारी मिलती है? तीन वंशों की जानकारी। कौन सा? गुप्त वंश, मौर्य वंश और मुगल वंश। मुगल वंश का एक शासक था जिसका नाम था जहांगीर। मैंने कल भी लिखाया था जहांगीर की जो लेख है वो लेख किसने उत्कीर्ण किया था? अब्दुल्ला मुस्किन कलाम। किसने? अब्दुल्ला मुस्किन कलाम। इसको याद है। इसके अलावा मुगलों में और किसका था? बीरबल का। किसका था? बीरबल। और मौर्यों में किसका था? अशोक। किसका था? अशोक। और गुप्त में आपको बताइए समुद्र गुप्त और चंद्र गुप्त प्रथम, इन सब के बारे में जानकारी मिली। और ये क्या था? एकाश्म पत्थर पर था। किस पर था? एकाश्म पत्थर था। कहां पर ये? कौशाम्बी पर। कहां था? और कहां ले आए? प्रयाग। प्रयाग का वर्तमान में नाम क्या था? इलाहाबाद। इसीलिए इसको और किस नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद स्तंभ लिख के नाम से जाना जाता था। और मूलते थी कहां पर? कौशाम्बी। कहां थी? कौशाम्बी। इतनी चीज की किया। विजय अभियान, विजय अभियान में सबसे पहले मैंने कहा था इसका एक उद्देश्य था। और उद्देश्य क्या था? धरणी बंद। क्या उद्देश्य था? धरणी बंद। और धरणी बंद का मतलब क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी को रहने या रिय जीतना। संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। ये उपाधि मिलती कहां पर है? प्रयाग प्रशस्ति से। ये उपाधि कहां लिखी हुई है? प्रयाग प्रशस्ति में ही ये उपाधि लिखी हुई। अब इसने अपने विजय अभियानों को पांच भागों में बांटा। कितने भागों में? इसने जो विजय अभियान करने थे उन विजय अभियानों को पांच भागों में, कितने भागों में? पांच भागों में विभाजित किया। अब पांच भाग कौन कौन से थे? सबसे पहले पांच भागों में जो विजय अभियान था वो था आर्यावत का प्रथम विजय अभियान। दूसरा था दक्षिणापथ विजय अभियान। तीसरा था आर्यावत का द्वितीय विजय अभियान। तीसरा था आठविकों का विजय अभियान। चौथा था पांचवा था सीमावर्ती राज्यों का विजय अभियान। और एक छठा, तो प्लस एक और कर लेना, यानी छठा लास्ट में कौन सा था जिसने अपने आप किया था? वो था विदेशी शासकों का
विजय अभियान। पहला तो कौन सा था? आर्यावर्त। आर्यावर्त तुम याद रखना, राजाओं की संख्या पूछी जाती है, तीन राजाओं को पराजित किया था, कितने राजाओं को? फिर दक्षिणापद में याद रखना 12 राजाओं को, कितने को? फिर आर्यवर्त द्वितीय में 9 राजाओं को, आठवीं में 18 राजाओं को, सीमावर्ती में 12 राजाओं को, और इसमें तो वंश थे, कौन कौन से वंश थे? जैसे कुषाण वंश था, जैसे शक वंश था, जैसे हूण वंश था, और जैसे श्रीलंका के जो वंश थे, इन सभी ने स्व इच्छा से अपने आप समुद्रगुप्त जैसे राजाओं की या गुप्त वंश के राजाओं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो कितने अभियान हो गए टोटल? 6। पहला देखो, इसको समझना, याद नहीं करना अपना रह जाएगा। पहला कौन सा है? आर्यावर्त का प्रथम विजय अभियान। इसको कैसे याद रखना? भारत का मात्र, ठीक है ना? चल जाएगा, चल। इधर पूर्व वाला भाग, इधर पश्चिम वाला भाग, ऊपर हिमालय वाला भाग, और यहाँ एक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? विंध्याचल की पहाड़ी। कौन सी है? विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत माला। यहां से लेकर यहां तक, हिमालय से लेकर विंध्याचल तक, पूर्व में यहां से लेकर पश्चिम में यहां तक, ये जो भाग था वो आर्यावर्त का प्रथम विजय अभियान था। इतने क्षेत्रों को जीता तो वो क्या कहलाया? आर्यावर्त का प्रथम भाग। लेकिन इसमें जो राजा थे वो तीन ही राजाओं को पराजित किया, कितने राजाओं को? तीन राजाओं को, तीन राजा लिख देता हूं, तीन राजाओं को पराजित किया। प्रश्न आता है, समुद्रगुप्त ने अपने आर्यावर्त का प्रथम विजय अभियान के दौरान कौन सी नीति अपनाई? रविना बाद में लिख लेना, कौन सी नीति अपनाई, उस नीति का प्रश्न आता है। बाकी ये कोई नहीं पूछता कितने राजा थे, क्या रहे, क्या नहीं थे, कहां से कहां तक था, केवल ये क्या पूछेंगे, आर्यावर्त का प्रथम विजय अभियान में कितने राजाओं को, तो कुल संख्या याद रखनी, कितने? तीन। तीन राजाओं को कौन सी नीति के द्वारा पराजित किया था, तो वो नीति याद रखना। क्या प्रश्न आता है? कि समुद्रगुप्त ने इनके लिए, किनके लिए? इन तीन राजाओं के लिए नहीं, पूरा आर्यावर्त का प्रथम विजय अभियान के लिए, इसके लिए समुद्रगुप्त ने प्रशभो उद्धरण की नीति अपनाई। इस नीति का नाम रखना, नीति अपनाई, नीति क्या है? प्रशभो उद्धरण। क्या नाम है? प्रशभो उद्धरण। अर्थ पूछते कई बार, प्रशभो उद्धरण का क्या अर्थ है? इन तीनों राज्यों को प्रशभन का अर्थ देता है मूल नष्ट करना, सह मूल नष्ट करना, कुछ समझ में आया? पूर्णतः नष्ट कर देना, ये वापस कभी अपने आप को स्वतंत्र करने की स्थिति में नहीं रहे। अब कई बार चार ऑप्शन दे देते हैं, निम्न में से कौन सा आर्यावर्त के प्रथम अभियान में नहीं था? अगर तीन राजा का नाम याद है तो ये आप चौथा ऑप्शन कर पाते, अन्यथा नहीं कर पाते। पहले तो याद क्या रखना, आर्यावर्त का प्रथम विजय अभियान में कितने राजाओं को? तीन राजाओं। कौन सी नीति के द्वारा? प्रशभो उद्धरण नीति के द्वारा। प्रशभो उद्धरण नीति का क्या था? सैमूल नष्ट करना। अब वो तीन राजा कौन कौन से थे, या फिर क्षेत्रों के नाम पूछ लेते, क्षेत्र कौन कौन से? मगध का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, और बंगाल का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, इधर मगध का क्षेत्र, और बंगाल का क्षेत्र। इन तीन क्षेत्रों को पूर्ण रूप से
आर्यावर्त के प्रथम अभियान में जीत लिया था। अब राजा कौन कौन से थे, मैं तीन राजाओं के नाम, तीन राजाओं को क्या किया, पराजित। पहले का नाम था अच्युत, क्या नाम था, अच्युत। दूसरे का नाम था कोत कुलंज, क्या नाम था, कोत कुलंज। और तीसरा था नागसेन, क्या नाम था, नागसेन। इन तीन राजाओं को इसने क्या किया था, पराजित किया था। कौन से अभियान के दौरान, आर्यावर्त के प्रथम विजय अभियान के दौरान। और अगला प्रश्न इसका आता है, क्या आता है, किसके अनुसार या इसका उल्लेख कहां मिलता है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के प्रथम विजय अभियान के दौरान इन तीन राजाओं को पराजित किया, इसकी जानकारी आपको कहां से मिलती है बताओ, आप खुद बताओ, इन राजाओं की जानकारी कहां से मिलेगी, प्रयाग प्रशस्ति, कहां से। अब लेकिन उसमें प्रयाग प्रशस्ति नहीं लिखी और वो संख्या लिख दे 33, एक से लेकर 33 तक, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पंक्ति में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त का प्रथम विजय अभियान के दौरान अच्युत, कौतकुंजल और नागसेन को पराजित किया था। तो याद रखना कौन सी पंक्ति है, 21वीं पंक्ति है, कौन सी, प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में उल्लेख है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के प्रथम विजय अभियान में अच्युत, कौतकुलंज और नागसेन तीन राजाओं को पराजित किया था। यही एक और उल्लेख मिलता है जो 14वीं पंक्ति में लिखा हुआ है, कौन सी पंक्ति में, क्या मिलता है कि आर्यावर्त के प्रथम विजय अभियान के दौरान ही पुष्य नगर या पुष्पनगर, कहीं पुष्य नगर मिलेगा कहीं पुष्पनगर मिलेगा, जिनको हमने कान्य कुब्ज पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कान्य कुब्ज। और कान्य कुब्ज किसका नाम था, प्राचीन कन्नौज का नाम था, किसका नाम था, कन्नौज का। और वहां एक शासक था जिसका नाम था गणपति नाग, क्या नाम था, गणपति नाग। उस पर भी आक्रमण किया और गणपति नाग कहां का शासक था, मथुरा का, कहां का शासक था, मैं पहले वापस समझाता हूं, कौन सी पंक्ति में लिखा हुआ है, 14वीं पंक्ति, क्या लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त ने किस नगर पर, पुष्य नगर, या इसको हमने कहा था कान्य कुब्ज। और कान्य कुब्ज एक्चुअल में किसका नाम है, कन्नौज का नाम है, इसका एक राजा था, ये एक ही नाम है, उस राजा का नाम था गणपति नाग, गणपति नाग। और ये कहां का शासक था, मथुरा का शासक था। इस पर किसने आक्रमण किया, समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया, इसकी जानकारी अब हमें कहां से मिलती है, 14वीं पंक्ति से, लेकिन कौन से अभियान के दौरान। तो अगर प्रश्न आ जाए 14वीं पंक्ति, प्रयाग प्रशस्ति की 14वीं पंक्ति के अनुसार प्रथम आर्यवर्त के प्रथम विजय अभियान के दौरान किस राजा पर आक्रमण किया था, विजय के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो किस पर किया था, गणपति नाग। और इसको कहां का शासक बनाया गया, मथुरा का शासक बनाया गया। तो मैं यही लिख देता हूं, क्या चौदहवीं पंक्ति के अनुसार, किसकी पंक्ति का मतलब समझ गया ना, किसकी पंक्ति, प्रयाग प्रशस्ति, 14वीं पंक्ति में उल्लेख है, क्या उल्लेख है कि किस पर, गणपति नाग पर, गणपति नाग, यानी किस पर आक्रमण किया, पुष्य नगर, जिसको हमने क्या कहा था, कन्या कान्य कन्या कुब्ज पर क्या किया था, आक्रमण किया था, इसकी जानकारी हमें मिलती है। लेकिन इसे कहां का शासक बताया गया, मथुरा का शासक, मथुरा, याद रखना, फिर आगे।